ऐसा सुना है कि यहाँ पर कलयुग में आने वाले समय में नर और नारायण पर्वत मिल जाएंगे, बद्री विशाल यहाँ से विलुप्त हो जाएंगे। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था, जो लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, कि हम कितनी दूर हमें लैंड किया जाएगा और वहाँ से हम कैसे जाएंगे। देखिए, ये है न्यू मेकओवर स्नो क्रेस्ट का। जय मां गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। देखिए, हमें चलते चलते गाड़ी में वीडियो स्टार्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि हम निकले हैं औली से। बद्रीनाथ जी जाना है और आपको, क्योंकि रोड्स के बारे में भी ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि बद्रीनाथ जी जाने के लिए किस तरह की रोड्स हैं। अभी तक औली तक क्योंकि हमें सही रोड्स मिली थी, इसलिए हमने आपको बहुत ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं रोड्स के बारे में। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, जल्दी से चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है। लेकिन बद्रीनाथ, जोशीमठ से जब हम बद्रीनाथ जी जाते हैं तो रास्ते में कुछ पैचेस बहुत ख़राब है। इस बार अभी कितना रास्ता हमें सही मिलता है वो हम आपको दिखाएंगे। बस इसीलिए हमने गाड़ी में ही ये वीडियो स्टार्ट किया है। चलिए आपको दिखाते हैं रोड कंडीशन भी। बाकी बद्रीनाथ जी में, क्योंकि हम आपको पहले भी कई बार ऑप्शंस दिखा चुके हैं रहने के, इस बार भी दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छे बजट ऑप्शंस आपको दिखाएं, जैसे कि ज़्यादातर लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए चलते हैं। जय बद्री विशाल। देखिए, जब आप बद्रीनाथ जी जाते हैं तो जोशीमठ में आपको एक ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है होटल ओली डी का, रहने के लिए। यहाँ का खाना और बेकरी तो बहुत ही अमेजिंग है। ये देखिए रोड, ये जोशीमठ से जैसे हम लोग आगे आए हैं ना, मतलब मुझे लगा था कि हर बार तो बेटर मिलता था, मुझे लग रहा है इस बार ज़्यादा खराब है। धूल मिट्टी तो बहुत ही ज्यादा है। और देखिए शुरू हो गए हैं इतने खूबसूरत रोड। जय बद्री विशाल। पहुंच गए हैं हम धाम में, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे हैं, बिल्कुल यहाँ तो इंटरफेस ही चेंज हो गया है। लग ही नहीं रहा कि ये वही धाम है जहाँ पर हम हर साल आते हैं। बहुत चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई हैं और लगातार, क्योंकि काम चल रहा है, दिन रात यहाँ पर काम चल रहा है। जिस तरह से हम रोड देख रहे हैं, देखिए अभी यहाँ पर रोड्स बन रही हैं, लेकिन बीच बीच में क्योंकि इन्होंने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, हम भी पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के ऊपर से आए हैं और गाड़ी तब यहाँ तक लेकर आए हैं। हमें होटल स्नो क्रेस्ट आना था, क्योंकि ये भी अंडर रेनोवेशन ही था। अभी भी काम चल रहा है, लेकिन कह रहे हैं क्योंकि दिन रात काम चल रहा है, तो होपफुली 12 तारीख तक, जब कपाट खुलने से पहले, सब कुछ फिनिश हो जाएगा। देखते हैं, इनका एक रूम रेडी भी हुआ है। ये वो किस तरह से इन्होंने नया बिल्कुल इंटरफेस बनाया है वो भी देखेंगे। लेकिन पहले हम पूरा बद्रीनाथ, हम एक राउंड लगाना चाह रहे थे कि धाम में अभी क्या क्या चीज़ें और चेंज हुई हैं, क्योंकि होटल्स अभी खुले नहीं हैं, लेकिन काम ज़ोरों से चल रहा है। देखिए वही खूबसूरत वाटरफॉल है ये। हमने आपको यहाँ पर जाकर इसका जो पूरा जो रूप है ना वो दिखाया था। इतना खूबसूरत है ये और इतना हैवी फॉल है कि यहाँ आप दूर दूसरी साइड भी खड़े होते हैं ना, तो भी वहाँ तक बौछारें आती है, आपको गीला कर देती है। ये बहुत सुंदर जगह है। इसका जाने का ये शॉर्ट रूट है, यहीं से मंदिर के पीछे से ही। तो जब भी आप यहाँ आएँ ज़रूर जा सकते हैं। देखिए सामने ये बहुत सुंदर नीलकंठ पर्वत है और यहीं पर हमने, आपको ये रास्ता दिख रहा है, चरण पादुका का भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुत सुंदर जगह है। ये सब घूमने वाली जगह है, एक्सप्लोर करने वाली जगह है। जब आप बद्रीनाथ धाम आते हैं आराम से आइए, जल्दीबाजी में नहीं आइए। अगर 3-4 दिन के लिए आते हैं तभी जा सकते हैं, यहाँ पर एक दिन में नहीं कर सकते हैं कवर। ये दोनों तरफ इस तरह से सेमी सर्कल बनाए हुए हैं, देखने पे ऐसे लग रहा है जैसे कोई कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा हो, और कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ। GMVN में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। देखिए यहाँ पर आज ही इन्होंने बताया, ये लोग आए हैं तो अभी रूम्स वगैरह ओपन होंगे, क्लीनिंग होगी। बट यहाँ पर जो टैरिफ बताया इन्होंने, 2 तरह के इनके रूम्स हैं, जिसमें जो टैरिफ इन्होंने बताया है 5300 और 4200 रुपीज़ में आपको मिलता है रूम पर नाइट फॉर 2 पीपल इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। कॉम्प्लेक्स देख के नीट एंड क्लीन लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। होटल देवलोक बद्रीनाथ के नाम से है ये GMVN का। अभी रूम्स की क्लीनिंग होनी बाकी है, बट रूम्स इनके बड़े बड़े हैं। और सबसे अच्छी बात कि मंदिर के बिल्कुल पास में ही हैं ये रूम। में टीवी है, हीटर है, अटैच वॉशरूम है। यहाँ पर कल भी बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, परसों, क्योंकि हम आज यहाँ पर 3 तारीख को आए हैं, 1 तारीख को स्नोफॉल हुआ था। बर्फ़ देखने को मिल रही है इसीलिए बहुत सारी। Oh my God, ये क्या है? मंदिर के साथ बिल्कुल सारी शॉप्स हटा दी हैं। तो जय बद्री विशाल। हम पिछले 20 सालों से लगातार बद्री विशाल के दर्शन करने आते हैं, और साल में 2 बार लगभग आते हैं हम लोग। पता नहीं आज यहाँ जब आए हैं ना, तो ये सब देखकर आप देख रहे हैं मंदिर के साथ जितने भी आश्रम थे, शॉप्स थी, सब तोड़ दी गई हैं। नीचे मशीनों से बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, काम किया जा रहा है, विकास हो रहा है। लेकिन क्या ये सच में विकास है? मुझे तो सच में ये देख के बहुत दुख हो रहा है। वो जो एक एनर्जी थी यहाँ की, जो ऊर्जा थी, वो मुझे लगता है कि उन सब चीज़ों से ही थी जो इतने सालों से थी। एकदम से किसी चीज़ को बदल के नयापन लाना, हर जगह पे वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। मैंने सुना है इनफैक्ट अभी भी कॉरिडोर्स बन रहे हैं वृंदावन में भी। लेकिन क्या वृंदावन में जब कान्हा जी और राधा जी की हम वहाँ की जो स्टोरी सुनते हैं, वहाँ कुंज गली जो थी वहाँ पे उन्हीं में तो घूमते थे वो। और अगर उन्हीं को हटा के वहाँ पर कॉरिडोर्स बना दिए जाएंगे तो उनकी ऊर्जा कहाँ बचेगी? सेम चीज़ यहाँ पे इतने पुराने पुराने आश्रम थे जिनको देख के, उनके अंदर जाकर, जो वहाँ पर संत महात्मा बैठते थे, उनसे मिलकर जो एनर्जी आती थी, सब खत्म हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है। हम हमेशा बहुत टाइम से जब यहाँ आते थे, कोई ना कोई हर बार हमें बोलता था कि ऐसा सुना है कि यहाँ पर कलयुग में आने वाले समय में नर और नारायण पर्वत मिल जाएंगे, बद्री विशाल यहाँ से विलुप्त हो जाएंगे। तो सुन के ऐसा लगता था कि ठीक है, ये तो सिर्फ कहानियाँ हैं शायद। लेकिन अब ये सब देख कर, जितनी हैवी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रही है, मुझे लग रहा है कि जब कोई भविष्यवाणी होती है उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। शायद ये जो इतना विकास किया जा रहा है, ये वही कारण बनेंगे उस भविष्यवाणी के। सच में मतलब मुझे आज मैं बद्री विशाल से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान सब पर कृपा बनाए रखें और कुछ भी अनिष्ट होने से उसे रोके। ये मंदिर जाने का मार्ग था पहले, जो अब मार्ग बचा ही नहीं है। यहीं से मुझे याद है हम लोग जब चरण पादुका के लिए गए थे, यहीं से वो रास्ता है। और कुबेर गली का रास्ता भी यहीं से था। कहाँ गई वो कुबेर गली? अब कितनी हैरानी की बात है कि इन चीज़ों को इस तरह से हटा दिया गया वहाँ से, जिनकी पहचान, मतलब जो कितने सालों से है और उनके बारे में लोग आपको स्टोरीज़ बताते हैं, वो चीज़ें अब गायब हो गई हैं। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। क्या यहाँ पे कोई रिजॉर्ट एंजॉय करने के लिए आता है? मुझे ऐसा देखने से ऐसे लग रहा है जैसे हम कहते हैं कि रिवर साइड रिजॉर्ट बनाना है हमें, उस तरह की कोई डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर। चलिए, मंदिर में बाहर से तो हमारे दर्शन हो ही गए हैं, अब हम चलते हैं माना विलेज की तरफ। ये देखिए, और ये हेलीपैड बन रहे हैं यहाँ पर। देखिए, ये है वो हेलीपैड। ये जब आप माना की तरफ आते हैं तो ये लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है मंदिर से, और यहीं पर हेलीकॉप्टर लैंड होता है। यहाँ से फिर आपको गाड़ी से ले जाया जाता है। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था, जो लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, कि हम कितनी दूर हमें लैंड किया जाएगा और वहाँ से हम कैसे जाएंगे। तो मैंने आपको दिखा दिया है, यहीं पर लैंडिंग होगी आपके हेलीकॉप्टर की। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गाड़ी बिल्कुल मंदिर तक जाएगी। लगभग 500 मीटर आपको पैदल चलना ही पड़ता है। और मेरे हिसाब से तो चारधाम यात्रा पर आए हैं तो थोड़ा कष्ट ज़रूर सहना चाहिए। बड़े यूट्यूबर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये इनका अपना चैनल भी है अंजलि ब्लॉग के नाम से, और ये हमारे ब्लॉग्स देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं। हाँ। और बद्री विशाल की कृपा से हमें यहाँ बद्रीनाथ धाम में मिले हैं। हाँ, थैंक यू थैंक यू। हमें भी अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, जरूर जरूर। हाँ। हम पहुँच गए हैं माना विलेज, और ये वही जगह है जब आप बद्रीनाथ धाम आते हैं तो यहाँ घूमना एक तरीके से अधूरा माना जाता है अगर आप यहाँ से वापस चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। आप आगे जाते हैं, यहाँ से पैदल आप जाएंगे, भीम पुल तक आप पहुँचते हैं, और वहीं से सरस्वती नदी का उद्गम आप देखते हैं, जो इतना उसे देखकर ही आपको मतलब ऐसे लगेगा कि इतना फ्लो में जल कहाँ से आ रहा है। साथ ही आप गणेश गुफा, व्यास गुफा हमने पहले आपको दिखाई हुई है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। हमारा वीडियो पूरा आप इसको अच्छे से घूम सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि चढ़ाई है, गुफाओं तक जाने के लिए आपको थोड़ा सा चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, लेकिन बाकी भीम पुल तक बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, तो आप धीरे धीरे जा सकते हैं। वैसे तो यहाँ से आगे वसुधारा फॉल भी है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा प्रिपेयर होके जाना पड़ता है, अकेले नहीं जा सकते हैं, ग्रुप में जाना चाहिए। और लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक है वो, तो वो अगर आपके पास समय है तभी जा सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया आपको कि बद्रीनाथ धाम में अभी तैयारियां चल रही हैं, होटल्स अभी खुले नहीं हैं प्रॉपर, तो बट हमें हमारे घर में एक रूम मिल गया है। हमारे घर से हमारा मतलब है होटल स्नो क्रेस्ट, तो क्योंकि हम हमेशा जब भी आते हैं यहीं रहते हैं। ये इनका बैक साइड वाले रूम है, तो इतना भी मिल गया वो भी बहुत है, क्योंकि अभी बहुत काम फैला हुआ है। और ये क्योंकि अंडर रेनोवेशन था, काफ़ी चीज़ें इन्होंने चेंज की हैं। क्या चेंजेस किए हैं, क्योंकि कुछ इनके रूम रेडी हो गए हैं, तो हम देखते हैं। एक रूम तो एटलीस्ट आपको दिखाई देते हैं, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि इस बार जब आप आएंगे यहाँ तो किस तरह के रूम्स मिलेंगे। देखिए, ये है न्यू मेकओवर स्नो क्रेस्ट का ब्यूटीफुल रूम। ये अभी फिनिशिंग पॉइंट पर है, क्योंकि जिस तरह से तैयारियां मैं देख रही हूँ ना, आई स्वेयर इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं। ये सब भी आज सुबह से ही इन्होंने किया है, और अभी कह रहे हैं यहाँ पर क्योंकि सोफ़ा सेटिंग, चेयर आएगी, कर्टेंस लगेंगे, ब्लाइंड्स लगेंगी, बट ओवरऑल देखने में एक फ़र्स्ट लुक में बहुत अच्छा लग रहा है। और इन्होंने जो कोशिश की है रेनोवेशन के बाद, बिल्कुल सब कुछ ब्रांड न्यू चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिया है इन्होंने। वॉशरूम भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको मिलेगा। और अभी यहाँ पर भी जैसे अभी इन्होंने बताया कि मिरर चेंज होना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम अभी जहाँ रह रहे हैं वो बैक साइड पे है यूनिट। ये इनकी न्यू विंग है जो फ्रंट में है। ये सेंट्रली हीटिंग होगी, और आपको यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं, मुझे लगता है कि ये बद्रीनाथ में तो सबसे अच्छा और सबसे एक्सपेंसिव होटल होने वाला है, क्योंकि सर्विसेज को देखते हुए, एमिनिटीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि दिस इज़ बेस्ट। देखिए, ये इनके एग्जीक्यूटिव रूम है विद नीलकंठ व्यू। जो सामने नीलकंठ पर्वत है उसका व्यू यहाँ से मिलता है। बेसिकली मैंने एक वर्ड कहा कि मोस्ट एक्सपेंसिव, वो इसलिए क्योंकि इस तरह की एक्सट्रीम लोकेशंस पर जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं उन कंडीशंस में आपको बेस्ट सर्विसेज, अप टू द मार्क सर्विसेज अगर प्रोवाइड कराई जाए तो वो अपने आप एक्सपेंसिव हो जाती हैं। इसीलिए मैंने जो वर्ड कहा मोस्ट एक्सपेंसिव, क्योंकि यहाँ पर जो सर्विसेज है वो भी आपको बिल्कुल मोस्ट वाली मिलने वाली हैं। आज तक हमारे जितने भी यहाँ पर गेस्ट आए हैं मुझे उनसे हमेशा अच्छा ही रिव्यू मिला है, एंड स्पेशली फॉर फूड। यहाँ पर टोटल 3 फ्लोर्स है लेकिन आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेंगी, जितना ऊपर आते हैं ना उतना व्यू अच्छा मिलता है। तो अब आप लिफ्ट से आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिफ्ट का प्रोविज़न दे दिया गया है, पहले नहीं था, ये आफ्टर रेनोवेशन है। नाउ इट्स डिनर टाइम, आई स्वेयर, मतलब मैं तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद बोल रही हूँ कि ऐसी जो परिस्थिति है अभी यहाँ पर पूरा सब फैला पड़ा है और ये लोग टाइमली हमें चाय दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। आते ही हम जैसे ही पहुँचे हमें राजमा चावल खिलाए इन्होंने, इतने बढ़िया बने हुए थे। खाना तो हमेशा यहाँ पे अच्छा होता है और अभी देखो बस टाइमली हमें डिनर भी मिल गया है। और यहाँ पर इस टाइम भी देखो, और मुझे तो लग रहा है, मुझे सब्ज़ी समझ नहीं आ रही है, ये शायद आलू और कुछ गोभी टाइप है, हाँ आलू गोभी लग रही है। और ये दाल है साथ में फुलके, मतलब ऐसे टाइम में गरम गरम खाना मिल जाए और क्या चाहिए आपको। भूख बहुत तेज़ लगी हुई है और हम खाना बिल्कुल भी ठंडा नहीं करेंगे, खाना बहुत अच्छा होता है इसीलिए हम जल्दी जल्दी खाएंगे। अभी कितनी शांति है यहाँ पर, 12 तारीख से यहाँ पर इतनी हलचल हो जाएगी जब यहाँ पर सारे यात्री आएंगे। मैं जब मंदिर की तरफ गई थी तो मैं थोड़ा सा भावुक हो गई थी और क्योंकि मैं इतने सालों से आ रहे हैं, जिस चीज़ वैसी ना मिले जैसी हम सोच कर आते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है। वो मेरा अपना परसेप्शन है लेकिन ठीक है, आप लोगों को हो सकता है काफ़ी लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, जो ये तोड़फोड़ हो रही है, कुछ लोग उससे सहमत भी होंगे, तो ठीक है, सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। लेकिन भगवान बद्री विशाल सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखे और हमें हर साल इसी तरह से बुलाते रहें और आपकी यात्रा को भी सफल बनाएं, जो यात्री आने वाले हैं और सालों साल यहाँ आते रहें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त कर रही हूँ, लेकिन हमें अभी आगे जर्नी और बढ़ानी है। तो जो पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो हमेशा देखते हैं कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आगे हमें जाना है चोपता, उसके लिए वेट कीजिए क्योंकि चोपता अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय बद्री विशाल। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटीए एक्सपर्ट।